हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप चैनल से सब्सक्राइब करा हुआ तो आप देख रहे होंगे कि मैंने उस पर स्टेबिलिटी के नोट्स अपडेट करे हुए हैं। साथ ही साथ ट्रैवलिंग वेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसके भी नोट्स अपडेट हो रहे हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं उस पर, जिसपे के तहत आप समझ सकते हैं कि इन दो लेक्चर्स, इन दो यूनिट्स का करीब आधे से ज्यादा कंटेंट हो चुका है। स्टेबिलिटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूं मैं उस पर। तो मैं अब यहां पर एक तीसरी यूनिट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट और एंड टू बी वेरी मच फ्रेंक एक बहुत कंफ्यूजिंग यूनिट है, वो वाली यूनिट शुरू करने जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं लोड फ्लो। अब लोड फ्लो के अंदर होता क्या है? बेसिकली लोड फ्लो का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने देना चाह रहा हूं। इन डिस्क्रिप्टिव पूरा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक उठाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सात टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। मगर अगर मैं बात शुरू करना चाहूं तो मैं बात इस तरीके से शुरू करूंगा कि अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूं, पावर सिस्टम आज तक का मैन मेड सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो अगर मैं उसको बोलूं सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट विद अ सोल ऑब्जेक्टिव दैट अनइंटरप्टेड पावर शुड बी रीच्ड टू ईच एंड एवरी कंज्यूमर, ऑल्दो देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स दैट इकोनॉमिक ऑपरेशन, सेफ ऑपरेशन, रिलायबिलिटी हैज टू मेंटेन, द प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर्स इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट आउट देयर। और जैसे जैसे हम लोग रिन्यूएबल को ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंस्ट्रेंट्स थोड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मगर अगर आप देखें तो इसका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है पावर सिस्टम का, वो ये है कि अपने कंज्यूमर तक वो अनइंटरप्टेड एंड कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई पहुंचाए। तो इसके लिए जरूरी है कि पावर सिस्टम के हर नोड, जिसको हम नोड ना बोल के बोलते हैं बसेस, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि उसके पीछे से एक टारगेट होता है कि हमेशा देखा जाए कि करंटली बसेस की क्या सिचुएशन आ रही है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेसिकली पावर सिस्टम बस के अंदर हम लोग चार वेरिएबल देखते हैं। हर बस पे यही चार वेरिएबल जानने की कोशिश होती है, इसके अलावा कुछ उसके अलावा कुछ जानना नहीं होता। तो जिस बस के ऊपर जो डेटा हमें चाहिए होता है वो हम लोग लिखते हैं। बस के ऊपर जो डेटा रिक्वायर्ड होता है, एक डेटा होता है पी, दैट इज द रियल पावर, एक डाटा होता है क्यू, एक जो होता है जिसको आप बोलते हो रिएक्टिव पावर, एक डाटा होता है वी जिसको आप बोलते हो वोल्टेज, और एक डाटा होता है डेल्टा जिसको आप बोलते हो लोड एंगल। अगर हमें ये चार डेटा पता हैं किसी भी बस के बारे में, तो हम बोलते हैं इस बस की कंप्लीट प्रोफाइल हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम इससे डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज सोचिए, अगर सिस्टम एक बस का है, दो बस का है, तो उसको स्टडी करना फिर भी आसान है। मगर मैं फिर बोल चुका हूं कि पावर सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हैविंग ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो थाउजेंड से लेकर लैक्स की रेंज में इनकी बसेस आएंगी। अगर थाउजेंड से लेकर लैक्स की रेंज में बसेस आ रही हैं, तो फिर इसको एनालिसिस कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए बट नेचुरल बात है, हमें कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक्स आना पड़ेगा। ठीक है, तो लोड फ्लो का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूं, पूरे पावर सिस्टम के हर नोड या हर बस के आपको स्टडी, आपको एग्जैक्ट स्टेट पता होने चाहिए। अब बात यह होती है इस लोड फ्लो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। लोड फ्लो के अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडमिटेंस बस मैट्रिक्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसका कोई वैसे बेसिकली कोई मेथड, अगर मैं बात करूं मेथड ऐसा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आता, मगर गेट के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर का निकालने के लिए इसको कोई बहुत ज्यादा इसको जटिलता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूजी लेवल पे बात कर रहे हैं तो यूजी लेवल पे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर मैं एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, एक प्रैक्टिस शीट सॉरी शेयर करूंगा, जिसको हम लोग साथ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज होती है फॉर्मुलेशन ऑफ लोड फ्लो इक्वेशन। पूरे सिस्टम के जनरलाइज लोड फ्लो की इक्वेशन बनाना एक अपने आप में एक अच्छा टास्क है, क्योंकि उसके अंदर आपको इक्वेशन ऐसी बनानी है जो कि हर बस के लिए ट्रू बैठे, जो कि हर बस के लिए ट्रू बैठे, ये भी हम लोग को देखना है। इसके बाद बस क्लासिफिकेशन। अब सारी बसेस तो एक जैसी नहीं हो सकती ना, किसी बस पे जनरेटर लगा होता है, किसी बस पे जनरेटर नहीं लगा होता है। उसके बाद हर बस के ऊपर जनरेटर की रेटिंग भी अलग अलग होती है, तो हमें बस क्लासिफिकेशन को भी एक अहम भूमिका देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे ये मेथड्स के बारे में जिससे कि ये लोड फ्लो इक्वेशन सॉल्व करी जाएगी, ये लोड फ्लो इक्वेशन जिससे कि सॉल्व करी जाएगी। ये लोड फ्लो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे पहले ही बोला है, जिस तरह बसेस की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो लोड फ्लो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइटरेटिव टेक्निक्स। आइटरेटिव टेक्निक्स माने क्या यूज करते हैं? आइटरेटिव टेक्निक्स। आइटरेटिव टेक्निक माने हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ढूंढते हैं,
एक एजम्पशन से शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे 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 अपने फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। इसको आप आइटरेशन बोलेंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक का ही एक पोर्शन है और उसके तहत हमको ये चार मेथड समझने हैं। उसके अंदर हमें चार मेथड समझने हैं। एक गॉसियन मेथड समझना है, एक गॉस सीडल मेथड समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस सीडल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, इसके ऊपर थ्योरी भी आती है यूजी लेवल एग्जामिनेशन में। इसके बाद एक अगला मेथड आता है जिसको आप बोलते हैं न्यूटन रैफसन इक्वेशन या न्यूटन रैफसन मेथड, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉस सीडल एंड न्यूटन रैफसन मेथड, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक लास्ट मेथड आता है डीकपल्ड पावर फ्लो मेथड। ये चारों मेथड अपने आप में भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए चाहे आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। तो आज जिस मेथड पे हम बात करना पसंद करेंगे, आज जो हम टॉपिक उठाना पसंद करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा, हमारा आज का टॉपिक जो हम लेना पसंद करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा एडमिटेंस बस मैट्रिक्स, एडमिटेंस बस मैट्रिक्स। तो आज का टॉपिक जो बनेगा हमारा वो बनेगा एडमिटेंस बस मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एक पावर सिस्टम के अंदर खूब सारी इक्वेशंस बनती हैं, बहुत सारी बसेस हैं, क्योंकि जब खूब सारी बसेस हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक डेटा को एक कंसाइज फॉर्म में लाना पड़ेगा। और आप भी जानते हैं किसी भी इक्वेशन को अगर मुझे बहुत कंसाइज फॉर्म में लाना है तो सबसे अच्छा होता है मैं उसकी एक मैट्रिक्स बना दूं। बिकॉज चाहे आप मैटलैब की बात करिए, चाहे आप किसी भी साइंटिफिक सिस्टम से इनफैक्ट सॉफ्टवेयर की बात करिए, या कैलकुलेटिव सॉफ्टवेयर मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर की बात करें, दे जनरली प्रिफर टू टेक द डाटा इन अ फॉर्म ऑफ एरे, दे जनरली प्रिफर टू टेक द डाटा इन अ फॉर्म ऑफ एरे। तो हम लोग यहां पर बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। तो अभी हमारा जो बात है वो हम लोग क्या डील करने वाले हैं, हम लोग डील करने वाले हैं एडमिटेंस बस मैट्रिक्स। अच्छा, आज इस लेक्चर में अभी हम ना सिर्फ इसको बनाना सीखेंगे बल्कि हम इसके साथ दो चार सवाल भी सॉल्व करेंगे और कुछ इसके इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमको सॉल्यूशन आसानी से निकल आएगा चीजों का, जो कि छोटे मोटे क्वेश्चंस आराम से निकल के आ जाएंगे। पूरा फॉर्मुलेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगली इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको एडमिटेंस बस मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, मैं साथ इसके एसोसिएटेड फाइल्स भी अपलोड करूंगा तो आप इसको वो भी देख लीजिएगा फॉर द रेफरेंस। ठीक है, चलिए तो एडमिटेंस बस मैट्रिक्स की बात करें तो पहली बात तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकता है। आपका जनरेटर हो सकता है, आपका ट्रांसफॉर्मर होते हैं, आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है, आपके लोड होते हैं। लोड के तहत आप नॉन लीनियर लोड भी कर सकते हो, लीनियर लोडिंग भी कर सकते हो, सारे के सारे लोड्स होते हैं। अब आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, इतने सारे जब चीजें थी तो हमने क्या करा था, हमने सिस्टम का एसएलडी बनाते थे। एसएलडी माने सिंगल लाइन डायग्राम बनाते थे। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद हमने जो दूसरा काम करा, हमने कहा चल भाई इसका इंपीडेंस डायग्राम बनाते हैं। क्या बना दो, इसका इंपीडेंस डायग्राम। अच्छा, इंपीडेंस डायग्राम बनाने के बाद हमने इसका कहा एक बार इसका रिएक्टेंस डायग्राम बना दो, रिएक्टेंस डायग्राम। अच्छा, अब यहीं पर हम पूरी की पूरी बात शुरू कर दें, मगर हमें यहां पे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए डेटा फॉर कैलकुलेशन। तो अब हम यहां से अब क्या बनाना शुरू करेंगे, हम इस रिएक्टेंस डायग्राम की मदद से ही अपनी वाई बस मैट्रिक्स निकालने की बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे एडमिटेंस बस मैट्रिक्स। अगर हम इससे निकालने की कोशिश करेंगे एडमिटेंस बस मैट्रिक्स, तो सब आप जानते हैं कि हमको पूरे रिएक्टेंस को इन द फॉर्म ऑफ एडमिटेंस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। या तो एक काम और कर सकते हैं, हमें पता है वाई इज इक्वल टू जेड का इनवर्स, 1/z होता है, तो हम यहां पर चाहे तो जेड बस निकाल सकते हैं और उसको बोल सकते हैं इट इज ऑफ वाई बस का इनवर्स। मगर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका इनवर्स भी तो ट्रू हुआ ना, तो इसका मतलब वाई बस इज इक्वल टू जेड बस का इनवर्स, ये भी तो ट्रू हुआ ना, दोनों के दोनों बातें ट्रू हुई ना, वाई बस के इज इक्वल टू जेड बस का इनवर्स ये भी एक ट्रू बात हो गई, जेड बस इज इक्वल टू वाई बस का इनवर्स ये भी बात हुई। तो अगर आपको चाहे जेड बस निकालना हो चाहे आपको वाई बस निकालना हो, आप दोनों चीजें एक ही बस से आप मैट्रिक्स से निकाल के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जनरलाइज्ड एग्जांपल है। मैं अभी एक छोटा सिस्टम लेके चलूंगा उसके बाद मैं उसको बड़ा करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक फोर बस सिस्टम लिया। मैंने क्या ले रहा हूं, मैंने लिया एक फोर बस सिस्टम।
ये बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने ये एग्जांपल कई जगह देखे हैं, तो मैं उसी जगह वैसे किताबों में आपके किताबों में ये चीजें जो करते हैं, अच्छे अच्छे जो क्या नाम है, अच्छे अच्छे नोट्स आते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के, उसके अंदर भी 4 बस सिस्टम 3 बस सिस्टम शुरू करते हैं, मगर मुझे 4 बस सिस्टम के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थोड़ी नजर आती है जो कि आसान होते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने जो एक चीज रखना चाहता हूं, जरा उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। मैं क्या रखना चाहता हूं कि सपोज मेरे पास अब क्या है, मेरे पास एक बस है। क्या है मेरे पास? एक बस। तो मैंने उस पर बोला कि उस बस पर मेरा एक जनरेटर भी लगा हुआ है जो कि पावर दे रहा है उसको SG। अच्छा, जनरेटर है तो बट ऑब्वियसली वो इनपुट पावर दे रहा होगा, इसमें मतलब SG की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू PG प्लस JQG। अच्छा, ये JQG नेगेटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ अगर हम WECS यूज करें, इंडक्शन जनरेटर यूज करें। मगर साथ ही साथ एक चीज और हो सकती है कि अगर मैं ये बात करूं कि क्या इस बस पे लोड नहीं हो सकता, लोड डिमांड नहीं हो सकती? हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरीके की यहां पर अपने को लोड डिमांड भी आती है तो उसको हम बोलेंगे SL। क्या बोलेंगे? SL। तो SL की जो पूरी वैल्यू निकल के आएगी, इधर चेक करिएगा, अगर SG इज इक्वल टू PG प्लस JQG है तो SL की वैल्यू क्या हो जाएगी? SL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SL इज इक्वल टू हो जाएगा PL प्लस JQ। L गलत तो नहीं है? अब आप जरा चेक करिएगा, ये सिस्टम के अंदर जा रही है जबकि ये सिस्टम से बाहर जा रही है। तो मैंने क्या बोला? नेट कॉम्प्लेक्स पावर एट द बस कैन बी गिवन बाय SG माइनस SL इज इक्वल टू PG माइनस PL प्लस JQG माइनस QL। गलत तो नहीं है? अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूं S इज इक्वल टू P प्लस JQ। अच्छा, अब मुझसे कोई पूछे कि ये S क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा भाई सिंपल सी बात रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट नहीं हो पाएगी क्योंकि आगे का कन्वेंशन इसी पे आधारित हो जाएगा कि ये S जो होगा दैट वुड बी द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ द जनरेशन एज वेल एज द डिमांड। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूं, इस बस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट ना करके सिंपली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा था विद जनरेटर एंड एवरीथिंग, अब मैं बात करूंगा सिंपली ऐसे कि इस बस पर S जा रहा है। लेट अस से दिस बस इज नाउ ith बस। कौन सी बस है? ith बस। आई वाज ऑलरेडी सेइंग कि मैं सिस्टम को थोड़ा जनरलाइज करूंगा, तो SI वुड बी इक्वल टू PI प्लस JQI। ये बार बार समझने वाली बात नहीं होगी, एक ही बार में बात करें खत्म करेंगे इसको कि SI क्या है। SI अपनी जो नेट रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर एट द बस है वो आ रहा है। अब सपोज करिए PI की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब लोड इज ग्रेटर देन द डिमांड, सॉरी लोड इज ग्रेटर देन द जनरेशन एट दिस पर्टिकुलर बस। द लोड इज ग्रेटर देन द जनरेशन एट दिस पर्टिकुलर बस। तो SI की वैल्यू भी पूरे पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे पूरे सिस्टम में चेंज होती रहेगी। हर बस की एक थोड़ा ना होगी, हर बस की अलग अलग होगी, क्योंकि किसी बस पे हो सकता है सिर्फ लोड लगा हो। अगर सिर्फ लोड लगा है तो ये P और Q दोनों की वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। किसी बस पे सिर्फ जनरेटर लगा हो तो ये P और Q की वैल्यू कैसे आ जाएगी? पॉजिटिव। अगर दोनों लगे होंगे तो नेट रिजल्टेंट पर डिपेंड करता है कि उसके साथ होने क्या वाला है, सही ना? तो हम लोग अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। SI क्या होगा? P प्लस JQ है, वेयर S इज नथिंग, इट्स द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, अभी बाद में हम लोग इसी पर बात करेंगे, रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? तो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब मैं बात कर रहा हूं अपने 4 बस सिस्टम की। तो 4 बस सिस्टम अगर मैं लेता हूं, लेट अस टेक अ सिस्टम, 4 बस सिस्टम लेके चलता हूं, एक सिंपल सा सिस्टम लेके चलता हूं 4 बस का। 4 बस सिस्टम में पहले मैं एक काम करता हूं, लेट अस नॉमिन बसेस का नाम रख देते हैं। दिस इज बस नंबर 1, दिस इज बस नंबर 2, दिस इज बस नंबर 3 एंड लेट अस से दिस इज बस नंबर 4। ये सही है? अब हर बस पर, मैं कह रहा हूं हर बस पर एक जनरेटर लगा हुआ है, लेट अस से SG1। सही बात है ना? इस पर भी जनरेटर लगा देते हैं। अच्छा, इनवर्ड्स होगी, इस पर भी एक जनरेटर लगा देते हैं, इस पे क्या लग जाएगा? SG2। इसी तरह इस पर भी एक जनरेटर लगा देते हैं, लेट अस से SG3, और इस पर भी एक जनरेटर लगा देते हैं, लेट अस से SG4। सब पे जनरेटर लग गया, मैं अभी मान के चल रहा हूं सब पे जनरेटर लगा हुआ, सब पे जनरेटर तो लगा ही रहा हूं, साथ में एक चीज और मान के चलूंगा कि सब पे लोड भी लगा हुआ है। क्या मान के चल रहा हूं? सब पर
लोड भी लगा हुआ है, अभी मैं यही मान के चलूंगा सब पर लोड लगा हुआ है, जिससे कि चीजें थोड़ी सी आप लोग के लिए वही उसी लेआउट पर है जिसमें हम लोगों ने बात अभी करी है। इसको मैं बोलूंगा बाहर आ रहा है, तो इसको बोलूंगा SL1, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया SL4, ये मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा SL3, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा SL2। अब देखिए सब पे लोड भी लगा हुआ, सब पे वो भी लगा हुआ। अब एक काम करता हूं मैं ना, बीच के मैं बीच का सिस्टम का बस का बीच में कुछ लगा देता हूं। बस के बीच में लगता क्या वैसे, बस के बीच में क्या आएगा, बस के बीच में भाई आएगा ट्रांसमिशन लाइन आपकी, और क्या आएगा बस के बीच में आपकी क्या आएगी, ट्रांसमिशन लाइन। तो लेट अस पुट द ट्रांसमिशन लाइन नाउ, ये लग गई। ये भी लग गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी लग गई, और इसके बाद ये भी लग गई। अब वो बोल क्या रहा है मुझे इस सिस्टम पे, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाता हूं, लेट अस टेक दिस लाइन आल्सो, ठीक है। वो बोल रहा है मुझे इस सिस्टम का वाई बस मैट्रिक्स निकाल के दो, क्या करो मुझे इस सिस्टम की, इस पावर सिस्टम की वाई बस मैट्रिक्स निकाल के दो, ये क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। वो क्या बोल रहा है मुझे, बड़ा सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो कह रहा है मुझे इस सिस्टम की वाई बस मैट्रिक्स निकाल के दो। अच्छा वाई बस मैट्रिक्स निकलेगी कैसे, जरा समझिएगा आप, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है ना, क्या है ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलता हूं I is equal to y into v, ये बोल देता हूं, गलत तो नहीं है, v is equal to iz होता है, I is equal to v into y होगा, सिंपल सी बात। अगर मैं कहता हूं नो दिस इज अ डाटा जिसके अंदर हर बस का डाटा है, तो इसको मैं बोल दूंगा लेट अस से कितनी बस, कितनी बस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 का। अगर मैं हर बस के अंदर करंट की वैल्यू नापना चाहता हूं तो ये डाटा कितने का आएगा, ये डाटा कितने का आएगा, ये डाटा कितने का आएगा आप तो बताइए मुझे सर, ये बड़ा सिंपल सी बात है, ये डाटा कितने का आएगा। ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, हाँ या ना। अच्छा अगर ये कॉलम मैट्रिक्स बन रही है तो वोल्टेज वाली भी क्या बनेगी, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या आएगा I1 I2 I3 I4, और इसके अंदर क्या आएगा V1 V2 V3 V4। तो आप सोचिए ये दोनों कितने की आ रही है, ये कितने की आ रही है, ये वाली कितने की वैल्यू बनेगी, ये अगर 4 बसेस आ रही है तो सिस्टम के अंदर कितने बाय कितने के बनेगा, ये 4x1 की बनेगी, ये किसकी बनेगी, 4x1 की। वोल्टेज वाली भी कितने की बनेगी, 4x1 की, हाँ या ना। अब जरा आप चेक करिएगा, अच्छा ये वोल्टेज वाली कितने की बनेगी, ये वाली वाई वाली ये बनेगी 4x4 की, हाँ या ना, 4x4। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आई एम टेकिंग 4x4, इसका मतलब ये मेरे नंबर ऑफ, ये मेरे नंबर ऑफ रो, ये मेरे नंबर ऑफ क्या नाम है कॉलम है, ये मेरे नंबर ऑफ रोज है, और ये मेरे नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इससे निकल के पूरा का पूरा आ जाएगा ये चीज, ये सुनो। तो ये मेरे कितने बाय कितने की बनेगी, 4x4 की। तो ये बात तो पता चल गई है, जब 4 बस सिस्टम है तो मेरी वाई बस मैट्रिक्स कितने की बननी है, 4x4 की, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो यहां पर हमारा जो बेसिक टारगेट बनेगा ये हमको ये वाइबस मैट्रिक्स निकालनी, यही मैट्रिक्स जो अपनी आ रही है यही अपनी वाइबस मैट्रिक्स है, सही बात ना। अच्छा ये करंट की कॉलम मैट्रिक्स आ रही है, वोल्टेज की भी कॉलम मैट्रिक्स आ रही है, मगर ये 4x4 की पूरी मैट्रिक्स निकल के आनी, यही अपनी क्या होगी, वाइबस मैट्रिक्स। अच्छा ठीक है भैया, वाइबस मैट्रिक्स निकालनी है तो ना पहले अभी काम करना शुरू करते हैं। अच्छा मैं साथ ही साथ इसी डायग्राम में अपडेट करता रहूंगा, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बार बार अलग डायग्राम बनाए, देखते हुए वीडियोस को समझिएगा। पहली चीज तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि लेट अस नाउ रिमूव ऑल दीज SG and SL, इसको हटा दो, क्या हटा दो, SG और SL को हटा दो, ये सारा का सारा SG और SL को हटा दो, इसको रखने कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी आपको दो, आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, आपको नेट से रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट करना है, आपको नेट से रिप्रेजेंट करना है। तो नेट से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अब मैं यहां पर जो यूज करूंगा,
सिंपल सी बात है, आई विल बी यूजिंग नथिंग, आई विल यूजिंग S1। क्या यूज करूंगा? S1। यहां पर क्या यूज हो जाएगी इसी तरह? S2। यहां पर क्या यूज हो जाएगी आपकी? S3। और यहां पर क्या आपका आ जाएगा? सिंपल सी बात है, यह आ जाएगा आपका S4। गलत तो नहीं है? अच्छा, मैं अभी सबको इनवर्ट मान के चलूंगा, अगर कोई किसी के अंदर नेगेटिव आएगा तो बट ऑब्वियसली आपके कैलकुलेशन में पता चल जाएगा कि वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद अगला काम करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को, अगर मैं अब यहां पर बोलता हूं कि मेरे को हर अपने बस की वोल्टेज पता है, इसकी वोल्टेज V1 ले लेते हैं, इसकी वोल्टेज सिंपल करते हैं, इसकी वोल्टेज V2 ले लेते हैं, इसकी वोल्टेज अपनी V3 ले लेते हैं, और इसकी वोल्टेज ले लेता हूं V4। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले बताया था कि कॉलम मैट्रिक्स बननी वोल्टेज की, वो मैंने आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, मुझे दोनों आइडेंटिफिकेशन करने पड़ेंगे। अगर V1 मुझे पता है तो आई विल टेक टेस्ट कि S1 जो करंट इंजेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1। जो S4 पे इंजेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I4। नेगेटिव आ सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं, वो समझाने की जरूरत नहीं है। यहां पे इसकी वैल्यू I3, और यहां पे जो इंजेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू मैंने ले ली क्या, I2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज के, I1 I2 I3 I4 बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बिंदु बन गए। अब क्या करना है? अब यहां पर एक सबसे बड़ा चीज लेके चलेंगे, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन कितनी तरह की हो सकती है? ट्रांसमिशन लाइन 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है अपने पास? एक ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, इसको बोलते हो शॉर्ट। एक ट्रांसमिशन लाइन कौन सकती हो सकती है? एक होती हो सकती है आपकी मीडियम। और एक ट्रांसमिशन लाइन कौन सी हो सकती है? आपकी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी हो सकती है? लॉन्ग। ठीक है जी, जरा समझिएगा, हम मान के चलते हैं। अच्छा, आप चेक करिएगा, शॉर्ट वाली को आप सीरीज रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हो। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सीरीज रिएक्टेंस से। रेजिस्टेंस को अगर मैं इग्नोर करके चलूं। अच्छा, मीडियम को करने के लिए आप पाई और टी मॉडल यूज करते हो। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल सबको सब बात समझ में आ गई। अच्छा, बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस अभी इग्नोर नहीं कर रही, रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं करना चाहता, तो इसको मैं थोड़ा समझूंगा, मगर मैं आपके सामने जो बात बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोलना चाहता हूं कि हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का पाई मॉडल कंसीडर करेंगे। तो मतलब अगर हम पाई मॉडल कंसीडर कर रहे हैं तो हम वाई बस के लिए बात कर रहे हैं डायरेक्टली, मगर अगर हम टी मॉडल कंसीडर कर रहे हैं तो हम बात करेंगे जेड बस के लिए। ये कैसे होगा ये अभी आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर में पता चले, आज के बाद हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, वाई को टी, पाई को टी और टी को पाई कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि अगर आप टी को पाई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेसिकली इट्स नथिंग, इट इज स्टार टू डेल्टा, और अगर आपको पाई को टी में कन्वर्ट करना है तब इट इज नथिंग, इट इज डेल्टा टू स्टार। तो बेसिकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है वाई बस अगर आपके पास है तो आप जेड बस निकाल सकते हो। तो हम मान के क्या चलेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हम पाई मॉडल लेके चलेंगे। पाई मॉडल के अंदर क्या होता है? पाई मॉडल के अंदर लाइन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, हम उसके बाद एक रिएक्टेंस लगा होता है, उसके बाद साइड में एक इक्वल कैपेसिटेंसेस लगे होते हैं, तो सिस्टम पूरा का पूरा पाई बनाता है। अच्छा, चेक करिएगा, इसको मैं R लिखूं और इसको मैं लिखूं X, तो ये क्या बन जाता है? मेरा Z बन जाता है, विच इज नथिंग बट द सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। जबकि इसको मैं बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं Y/2, और इसको भी बोल सकता हूं अपना Y/2। तो यहां पर एडमिटेंस भी आ गया, गलत तो नहीं ना? मतलब आप ये आप बात समझिएगा, सीरीज में जो आने आए हैं वो आपका इंपेडेंस होगा, मगर जो शंटिंग में आने वाले हैं आपके, जो आपके शंट में आने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या है? एडमिटेंसेस है। मैंने क्या बोला? ट्रांसमिशन लाइन को अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कुछ डाटा दिया ना जाए तब आप इसको मीडियम लेके चलोगे और पाई मॉडल को मान खेलेंगे। हाउएवर, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, सवाल में जब तक बोला ना जाए कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है तब तक आप अज्यूम करके चलेंगे लाइन शॉर्ट है। सिंपल कैलकुलेशन रखिएगा अपना, वहां पे जरूरत से ज्यादा हम लोग कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो हम क्या मान के चलेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हम पाई मॉडल पे रिलाई करेंगे। पाई मॉडल पे रिलाई करके ये आपको याद रखना चाहिए, शंट एडमिटेंसेस होते हैं और सीरीज का अपना इंपेडेंस होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करने वाला था, समझिएगा, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा फिगर को कॉम्प्लेक्स करने वाला हूं। मैं पाई मॉडल बनाऊंगा पूरा का पूरा सब वायर। तो अपने पास यहां पे ट्रांसमिशन लाइन कौन कौन सी, चेक करिएगा। मैं ना अब मैं सबके वायर का पहले काम करता हूं, सबका सीरीज रिएक्टेंस घोषित कर दे रहा हूं, सबका सीरीज रिएक्टेंस घोषित कर दे रहा हूं। तो ये किसके किसके बीच में? ये बस वन और बस टू के बीच में है, तो इसको मैं बोलूंगा Z12, सीरीज रिएक्टेंस Z12। ये कौन कौन, ये किसके किसके बीच में? अच्छा, एक तरफ से चलने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप एक तरफ से नहीं चलेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। ये आप मान के चलिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। ये बस नंबर वन और बस नंबर फोर के बीच में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे Z14।
इसको देखेंगे अब हम, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसके ये सीरीज रिएक्टेंस इसका भी, ये किसके किसके बीच में आ रहा है, जेड नंबर बस नंबर फोर और बस नंबर टू, तो इसको मैं चाहे जेड टू फोर बोलू चाहे जेड फोर टू बोलू बात तो एक ही आएगी ना। अब इसी तरह देखिए फोर और थ्री के बीच की बात कर रहा हूं यहां पर, तो यहां मैं किसको क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा जेड थ्री फोर, इसके और इसके बीच इसको क्या बोलूंगा जेड टू थ्री। एक बार अगर आपने स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, अब समझिएगा, अब मैं इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूं, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूं। पहले तक इसको मैं थोड़ा ठीक कर लू, गलत तो नहीं था मगर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए गड़बड़ कोई कंफ्यूजन। तो मैंने क्या करा यहां पर शंट बनाना, एडमिटेंस बनाने शुरू करे, हर वायर का शंट एडमिटेंस बनाऊंगा मैं। ठीक है जी, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, आप चिंता मत करिए इसको थोड़ी देर ही लगनी, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स रहेगा नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा सारा कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैंने क्या बोला, आप चेक करिए हर ट्रांसमिशन लाइन का पाई मॉडल बन चुका है, सही है ना। अब आपको पता होना चाहिए अगर दो वाई पैरेलल में लगे हैं तो नेट वाई इक्विवेलेंट जो उसका निकल के आता है वो निकल के आता है, लेट अस से इट इज वाई वन एंड इट इज वाई टू, तो इट विल बी वाई वन प्लस वाई टू। ये आपको कोई दिक्कत तो नहीं, दो वाई पैरेलल में लगे हैं तो इसका मतलब नेट इक्विवेलेंट निकल के आ गया वाई वन प्लस वाई टू। अब जरा समझिएगा दोस्तों यहां पर, अब मैं जो बातें बोलने वाला हूं थोड़ा समझते चलिएगा, फोर बस सिस्टम है, थोड़ा सा आपको शायद कॉम्प्लेक्स लगे मगर अब आप समझिएगा। अगर मैं बस वन की वजह से देखूं, बस वन की तरफ से देखूं, तो बस वन किसको पकड़ेगा, बस वन कहेगा भैया ये वाला शंट एडमिटेंस भी दे दो और ये वाला शंट एडमिटेंस भी दे दो, समझ गया ना। बस वन बोलेगा मुझे ये वाला शंट एडमिटेंस भी दे दो और ये वाला शंट एडमिटेंस भी दे दो। इसी तरह जो अपना बस नंबर टू है उसके लिए ये वाला भी काम करेगा, ये वाला भी काम करेगा और ये वाला भी काम करेगा, हाँ या ना। ये तीनों के तीनों शंट एडमिटेंस बस नंबर टू के लिए काम करेंगे। बस नंबर फोर के लिए अगर आप चेक करिए तो बस नंबर थ्री के लिए चेक करें तो वापस बस नंबर थ्री पे भी कितने आ रहे हैं, दो, एक ये आ गया और एक ये आ गया, और बस नंबर फोर पे अगर आप चेक करेंगे तो बेसिकली वहां पे भी कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो ये एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया, तीनों आ गए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसका एक नोडल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अभी फिगर काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझिएगा बस कुछ नहीं, इसके लिए बस नंबर वन के लिए ये और ये पैरेलल में है तो इन दोनों का बस कुछ नहीं होना, सम होना है, क्या होना है, सम होना है बस और कुछ नहीं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसका एक नोडल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, नोडल रिप्रेजेंटेशन। तो नोडल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, नोडल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये नोडल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये आपका सही बैठ गया तो आपकी सारी इक्वेशन सही बनेंगी। अब मैं बस को रिप्रेजेंट करूंगा एक नोड से, किसके कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक नोड से। तो लेट अस से दिस इज माय बस नंबर वन, दिस इज माय बस नंबर टू, दिस इज माय बस नंबर थ्री एंड दिस इज माय बस नंबर फोर। मैं वापस अपने सिस्टम को मेंटेन कर दे रहा हूं, वन टू थ्री और ये क्या हो गया मेरी फोर्थ, ठीक है जी। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपको पता हो नोडल एनालिसिस करते थे तो एक हमारा रेफरेंस नोड बनाते थे, हम मान के चलेंगे ग्राउंड, ठीक है जी। चलिए, जो सबसे पहले मुझे बनाना चाहिए वो मैं बना दे रहा हूं, मैं बना के चल रहा हूं कि सारे के सारे सोर्सेस जो भी आप कॉम्प्लेक्स पावर है वो सारे के सारे ग्राउंडेड होंगे, तो उसके लिए मैं ये ऐसा लेके चल रहा हूं। ये मेरा क्या है, ये मेरा है S4, ये मेरा क्या है S3, ये मेरा क्या है S1 और ये मेरा क्या हो जाएगा S2। और ये लोग कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, पता चेक करिए, तो ये बेसिकली करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, आई वन आई फोर आई थ्री और ये क्या गया आपका आई टू, तो करंट इंजेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आप चेक करिए, तो मैंने इसको एक कुछ नहीं करा, मैंने इनको करंट सोर्सेस बना लिया, ये बनाऊंगा भी मैं, इस तरह के सवाल याद रखिएगा, ठीक है। मैं वोल्टेजेस की बात भी करना पसंद करूंगा, थोड़ा सा वोल्टेजेस के लिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वोल्टेज में क्या क्या होगी, नोड वन की हो जाएगी वी वन, इसकी हो जाएगी वी टू, इसकी हो जाएगी वी थ्री और इसकी हो जाएगी वी फोर। अब आप चेक करिएगा, नोड वन बस नंबर वन पे शुरू करेंगे, बस नंबर वन पे इसका और इसका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, मगर ये दोनों ग्राउंडेड है
तो इन दोनों का मैंने बोल दिया, इन दोनों का जब सम अप करोगे तो आपके पास एक चीज आ जाएगी जिसको आप बोलोगे शंट एडमिटेंस आ जाएगा वाई वन जीरो। क्या जाएगा शंट एडमिटेंस, क्या आ जाएगा वाई वन जीरो। इसी तरह बस नंबर टू पे आप चेक करो, बस नंबर टू में एक दो तीन, तीन है तो मैं इसको यहां पर भी डाल सकता हूं शंट एडमिटेंस। एक और डालूंगा इसको, मैं बोलूंगा नाम ध्यान से समझिएगा वाई टू जीरो, जहां पर जीरो ये है मतलब बस जीरो के रेफरेंस में शंट एडमिटेंस इसका निकल के कितना आ रहा है वाई टू जीरो। बस नंबर थ्री पे चेक करिएगा, बस नंबर थ्री पे कितना आ रहा है एक और दो, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम वाई थ्री जीरो, और यहां पर दोबारा क्या ले लेंगे हम लोग वाई फोर जीरो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सब क्वेश्चन एडमिटेंस बन गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बस नंबर वन के लिए आपको ये वाला और ये वाला चाहिए, बस नंबर टू के लिए आपको ये वाला और ये वाला सम चाहिए, बस नंबर थ्री के लिए आपको इसका और इसका सम चाहिए, बस नंबर फोर के लिए आपको इसका इसका और इसका सम चाहिए। मैंने सारे वहां पर डाल दी, बचा गया लाइंस बची, क्या बची लाइंस। अब लाइंस को पकड़ेंगे, जरा समझिएगा लाइंस को कैसे पकड़ेंगे। मैंने बोला बस नंबर वन और बस नंबर टू के बीच में जेड वन टू था ना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है भाई तू जेड वन टू एन टू इन टू खत्म करो, मैं इसको बोलूंगा अब मैं इसको बोलूंगा वाई वन टू। जहां पे सिंपल सी बात है मैं मान के चल रहा हूं वाई वन टू इज नथिंग, इट इज इनवर्स ऑफ जेड वन टू, वाई वन टू इज नथिंग इट इज द इनवर्स ऑफ जेड वन टू। मैंने अब आप चेक करना शुरू करेंगे तो मैंने सिस्टम को एडमिटेंस के फॉर्म में तोड़ना खत्म करना शुरू कर दिया है। अगर सिस्टम को एडमिटेंस फॉर्म में ले जाऊंगा तभी मैं एडमिटेंस बस मैट्रिक्स बना पाऊंगा, कुछ गलत तो नहीं, चेक करिएगा। इसी तरह मैं वन और फोर के बीच की बात करूं तो मैं इसको ऐसे सीधा जोड़ सकता हूं, अब इसको बोलूंगा क्या बन गया ये बन गया मेरा वाई वन फोर। इसी तरह मैं टू और थ्री के बीच की बात करूंगा तो इसको मैं टू और थ्री के बीच की बात करूंगा तो इट इज वाई टू थ्री, ठीक है जी। इसके बाद फोर और थ्री के बीच की बात भी कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये क्या बन जाएगा मेरा वाई थ्री फोर। अच्छा एक जो मिस शायद मैं कर सकता हूं वो एक बची ये वाली है तो इसको मैं ऐसे यहीं से देता हूं, ऐसे ऐसे कर देता हूं इसको थोड़ा, ये क्या बन गया मेरा वाई टू फोर। चेक करिएगा, कुछ नहीं करा मैंने, वही का वही मैंने सिंपल सा मान के चला है कि अगर आप अगर आपको जेड पता है और आपको वाई निकालना तो आप क्या करोगे, अगर आपको जेड पता और वाई निकालना तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप उसका इन्वर्स कर दोगे और कुछ तो करोगे नहीं। तो ये आपका वाई थ्री फोर क्या है इन्वर्स ऑफ जेड थ्री फोर, ये आपका वाई वन फोर क्या होगा, ये वाली लाइन जो बन के आ रही है कैसे हो जाएगी, ठीक है। अब आप सेट करिए तो ये यानी तो अपने फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन का जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो तो वहां पर एक नोडल का सवाल बन गया बिल्कुल, तो क्या किसका बन गया नोडल का सवाल। तो हम पे काम करेंगे, हम अब काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस फोर बस सिस्टम को अब नोडल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे नोडल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो होता क्या है, अपन क्या यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं केसीएल, क्या यूज करते हैं केसीएल, और कैसे यूज करते हैं कि I1 नोड 1 की बात करूंगा, अगर मैं नोड 1 की बात करूं नोड 1 या नोड 1 क्या हो जाएगी, अब यहां पर अपनी नोड 1 क्या है बस 1, अपनी नोड 1 ही तो क्या है बस 1। तो अगर आप चेक करिए इनपुट करंट कितना जा रहा है I1, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी चेक करिएगा, यहां पर वोल्टेज कितना है नोड 1 का 1 V1, यहां पर क्या है जीरो, तो हम लिख सकते हैं वी वन माइनस जीरो इंटू वाई वन जीरो, V1 माइनस जीरो इंटू वाई वन जीरो। भैया नोडल एनालिसिस लग रही है कुछ नहीं, इस नोड का वोल्टेज कितना जीरो, इस नोड का वोल्टेज कितना V1, तो हम लोग सीधे सीधे V1 इंटू वाई वन जीरो लिखेंगे पूरी बात, इसको आप बार बार रिप्रेजेंट नहीं करूंगा V1 इंटू वाई वन जीरो, ठीक है जी। प्लस दूसरी अब चेक करिएगा, मैं अब सीधे ही चलूंगा वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू इंटू वाई वन टू, ठीक है जी। थ्री वाले में क्या थ्री और वन का कोई कनेक्शन है आपस में, नहीं है, थ्री और वन का कोई कनेक्शन नहीं है, क्या वन और फोर का कनेक्शन है, जी है बिल्कुल है। तो वी वन माइनस वी फोर इंटू वाई वन फोर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई टू की इक्वेशन क्या बनेगी, आई टू की इक्वेशन जरा ध्यान से बनाइएगा, आई टू की इक्वेशन बनेगी क्योंकि ये इसके अंदर शायद सबसे कनेक्शन है करीब करीब, ठीक है। आई टू की बात करिए, आई टू के अंदर शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे शंट वाला ले लीजिए, तो क्या बनेगा आई टू की इक्वेशन क्या बनेगी वाई वी टू इंटू वाई टू जीरो। मैं आपको पहले बता दूं, मैं तो सवाल कर ही रहा हूं, आपको दिमाग में पहले गूंजना चाहिए कि ये क्या होने वाला है। अच्छा अब जब इधर से आई टू की वैल्यू मानी हुई है तो करंट हम मानेंगे इधर से इधर है, तो हम वी वन माइनस वी टू लेके नहीं चलेंगे, हम चलेंगे वी टू माइनस वी वन, क्या लेके चलेंगे वी टू माइनस वी वन इंटू वाई वन टू। क्या टू और थ्री का कनेक्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इसके अंदर भी आ जाएगी क्या वी टू माइनस वी थ्री इंटू वाई टू थ्री। प्लस एक और लेके चलेंगे, प्लस क्या लेके चलेंगे
क्या चलेगा दोस्तों, फोर और टू का कनेक्शन है आपस में क्या? फोर और टू का कनेक्शन है, बिल्कुल है दोस्तों। तो पता क्या चलेगा, वी टू माइनस वी फोर इंटू वाई टू फोर, बिल्कुल सही। नोड टू की सबसे कनेक्शन है, चेक करिएगा, नोड वन ये रहा, नोड टू ये रहा, नोड थ्री रहा ये, और नोड फोर रहा ये। ये कुछ नहीं है, बस के रिप्रेजेंटेशन है। चलिए आई थ्री की बात करें, आई थ्री क्या है, आई थ्री क्या होगा, आई थ्री अपना चेक करते हैं। आई थ्री करंट इनवर्ट आया, वापस शुरू करते हैं क्या, वन और उसके बीच में पहले, सबसे पहला काम, सॉरी मैं मिस कर गया अपनी बात, मैं सबसे पहले किसको लेके चलूंगा, शंट वाले को प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, इसके बाद करेगा थ्री और वन में कोई कनेक्शन है, नहीं है भाई, तो उसको मिस करिए। क्या थ्री और टू में कोई कनेक्शन है, बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस वी टू माइनस वी थ्री नहीं चलेगा, क्या चलेगा, वी थ्री माइनस वी टू इंटू वाई टू थ्री प्लस। वी थ्री और वी फोर में कनेक्शन है, बिल्कुल है जी, वी थ्री माइनस वी फोर इंटू वाई थ्री फोर, कुछ बचा तो नहीं, चलिए आई फोर बचा, आई फोर क्या बनेगा, I4 देख लेते हैं, I4 की वैल्यू क्या बनेगी, I4 की वैल्यू बनेगी, सबसे पहले वापस वही शंट वाला ले लेते हैं, V4 इंटू वाई फोर जीरो, शंट वाला सबसे पहले ले लीजिए, आसानी हो जाती है। प्लस अब आइए बस वही शुरू हो जाइए, V4 माइनस V1 इंटू वाई वन फोर प्लस। टू है कनेक्शन, हाँ जी टू वाला तो कनेक्टेड है फोर से, सीधी सीधी जा रही है, कौन सी होगी, V4 माइनस V2 इंटू वाई टू फोर, वाई फोर टू बोलिए चाहे वाई टू फोर बोलिए, बात तो एक ही आने वाली है, स्मॉल वाई चल रहा है। नोटेशन ध्यान रखिएगा, नोटेशन अभी तक मेरे जितने यूज हो रहे हैं सब में स्मॉल यूज करा है, अभी मैंने कहीं कैपिटल यूज नहीं कर रहा हूं, जरा समझिएगा, ये नोटेशन बहुत काम की है, गड़बड़ मत करिएगा इसको। प्लस आगे क्या चलेगा, वी टू हो गया, वी थ्री से कनेक्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, वी फोर माइनस वी थ्री इंटू वाई थ्री फोर, हाँ या ना, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या करा, मैंने इस नोडल पे, यहां पर नोडल इक्वेशन लगा के, नोडल इक्वेशन लगा के मैंने हर बस पर, सॉरी ये बस वन गलत हो गया, मैंने इसको हर बस पे इक्वेशन लगा दी। कैसे लगाया, सिंपल केसीएल लगाया, सिंपल केसीएल लगाने का मतलब क्या, मैंने आई वन की वैल्यू पुट करी, आई वन इज इक्वल टू यहां पर लगा दिया नोडल, वी वन माइनस वी जीरो इंटू ये कर दिया, प्लस वी वन माइनस वी टू प्लस वी वन माइनस वी फोर, क्योंकि वी वन और वी थ्री के बीच में या बस वन और बस थ्री के बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था, तो मैंने इस तरह की चार इक्वेशन बना ली, ठीक है दोस्तों। अब जब आपके पास चार इक्वेशन आ चुकी हैं, अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करिएगा, तो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो I1 की वैल्यू क्या बनेगी, जरा चेक करिए, V1 इंटू वाई वन जीरो ले लें, ले लिया, प्लस ले लें वाई वन टू, प्लस ले लीजिए वाई वन फोर, ठीक है ना, माइनस वी टू इंटू, या इसको प्लस वी टू इंटू माइनस वाई वन टू कर दीजिए, प्लस v4 इंटू माइनस वाई वन फोर कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिराइव करा है भैया, v1 वाले टर्म्स अलग कर लिए, v2 वाले टर्म्स अलग कर लिए, मैं प्लस 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 का कन्वेंशन लेके चलना चाहता हूं, मैंने वो चीज पे ध्यान रखा है, ठीक है जी। तो आप भी ये कोशिश करिएगा, आप भी ऐसे चले, ठीक है जी। चलिए i2 की वैल्यू ले लेते हैं, i2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, i2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, i2 की वैल्यू बन जाएगी, V1 वाला टर्म आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो V1 इंटू माइनस वाई वन टू, ये हटाओ ये हटाओ, ये खत्म हो गया। अब V2 ले लो, प्लस V2 इंटू क्या चलेगा, वाई टू जीरो प्लस वाई वन टू प्लस वाई टू थ्री प्लस एक और चलेगा वाई टू फोर, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सही है सब कुछ। चलिए ये वाला अपना, ये वाला टर्म अपना खत्म हो चुका है, इसलिए इसको यूज नहीं, इसको यूज करेंगे, प्लस v3 इंटू माइनस वाई टू थ्री प्लस v4 इंटू माइनस वाई टू फोर, ये गलत तो नहीं है, सारी इक्वेशन एक साथ चलता चला जा रहा हूं। i3 की इक्वेशन मैं बनाऊ इसी तरीके से, I3 की इक्वेशन क्या बनेगी, V1 के साथ तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, पहली बार तो खत्म हो गया, चलो बहुत बढ़िया, प्लस V1 इंटू, V1 के साथ क्या चला जीरो, बिल्कुल सही, याद रखिएगा, अगर कनेक्शन बिटवीन द बसेस नहीं है तो उसका ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जीरो आने वाली है उस एलिमेंट की, चेक करिएगा, प्लस V2 इंटू माइनस वाई
टू थ्री प्लस वी थ्री इंटू वी थ्री के सबसे पहले क्या चलेगा वाई थ्री जीरो, वाई थ्री जीरो प्लस वाई टू थ्री प्लस वाई थ्री फोर, ठीक है जी। हाँ यार बिल्कुल सही आ रहा है, प्लस वी फोर इंटू माइनस वाई थ्री फोर, बिल्कुल सही है। सबके टर्म्स आने चाहिए, सबके टर्म्स दिखाऊंगा मैं आसानी के लिए। आई फोर की वैल्यू क्या चलेगी अब, आई फोर के अंदर चेक करिए, हाँ है तो वी वन इंटू माइनस वाई वन फोर खत्म हो गया। वी टू के साथ क्या है प्लस वी टू इंटू माइनस वाई टू फोर प्लस वी थ्री इंटू माइनस वाई थ्री फोर प्लस वी फोर इंटू, अब शुरू करिए वी फोर के साथ क्या आ रहा है पहला वाई फोर जीरो, वाई फोर जीरो प्लस वाई वन फोर प्लस वाई टू फोर प्लस वाई थ्री फोर, ये आ गया। चेक करिएगा मैंने इक्वेशंस को उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है जहां पे करना चाहिए था। यहां पर मैं एक स्टेप मिस कर गया हूं, उसको मैं लिख लेता हूं, यहीं पर लिख लेता हूं प्लस वी थ्री इंटू जीरो, मतलब यहां पर मैंने सिद्ध कर दिया है कि वन और थ्री के बीच में कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं। मैंने आपसे कहा था किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, तो मैंने कहा इसको मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसकी मैं कॉलम मैट्रिक्स खड़ी करूंगा। आप चेक करिएगा, कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा आई वन I2, I3 और ये क्या बन गया अपने रहा I4, ठीक है जी। अगर मैं वैल्यूज को सपोर्ट करता जाऊंगा और ये मेरा क्या है यहां पे एक अगला कॉलम मैट्रिक्स चल रही है, वो उसमें क्या है V1, V2, V3 और V4, ये आ गया। ठीक है जी, इक्वेशन ध्यान से देखिए एक बार, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अगर इक्वेशंस क्लियर हैं तभी काम हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, आई वन इज इक्वल टू वी वन, वी वन इंटू क्या ये सारा लिख देता हूं वाई वन जीरो प्लस वाई वन टू प्लस वाई वन फोर, क्योंकि थ्री वाला तो है ही नहीं भाई, सही है। वी टू के साथ क्या चलेगा माइनस वाई वन टू, ये क्या चलेगा वी थ्री के साथ तो जीरो, और इसके साथ क्या चलेगा माइनस वाई वन फोर, ठीक है जी। चलिए अगली चीज माइनस वाई वन टू, इसी तरह से सब इक्वेशन वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, माइनस वाई वन टू जीरो माइनस वाई वन फोर, माइनस वाई वन फोर यहां तक सही आ गया। वी टू के साथ अब मैं वैल्यू पुट करना शुरू कर रहा हूं, वाई टू जीरो प्लस वाई वन टू प्लस वाई टू थ्री प्लस वाई प्लस वाई किसका है टू फोर भी आ गया, बिल्कुल सही, ये सारे के सारे आ गए इसमें। ठीक है जी, इसके साथ क्या आ रहा है माइनस वाई टू थ्री, ठीक है इसके साथ क्या आ गया माइनस वाई टू फोर, ठीक है जी। थ्री थर्ड वाले के साथ आइए, थर्ड वाले में क्या आ रहा है, थर्ड वाले में माइनस वाई टू थ्री, अब इस वाले का एलिमेंट पुट करना है वाई थ्री जीरो प्लस वाई टू थ्री प्लस वाई थ्री फोर माइनस वाई थ्री फोर, ठीक है जी। मैट्रिक्स बनाइए अपने आप, मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स बनती चली जाएगी, माइनस वाई टू फोर माइनस वाई थ्री फोर, और ये लास्ट एलिमेंट शायद देखने में जगह थोड़ी सी कम पड़ता है, बट चलो अभी ट्राई, तो मैं कहूंगा ये आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसको मैं लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा वाई फोर जीरो प्लस वाई वन फोर प्लस वाई टू फोर प्लस वाई थ्री फोर, ठीक है जी। चलिए तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, ये डायग्राम दिखा दी मैंने, ठीक है। तो अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस पूरे मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स सब आपके निकल गए यही आपकी वाइबस मैट्रिक्स है दोस्तों, यही आपकी वाइबस मैट्रिक्स है,
यही थी जिसके लिए हम इतनी देर से इतनी स्ट्रगल कर रहे थे। मगर आप समझिए, मैं इस वाईएस मैट्रिक्स को ना थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा तब समझिएगा, क्योंकि भैया हमारा टारगेट ये थोड़ा ना कि हमें एक पर्टिकुलर केस समझना है, हमें समझना क्या है, सवाल सवाल कैसे निकलेंगे। तो एक काम करते हैं, हम पहले वाईएस को समझते हैं। वाईएस की मैट्रिक्स हमने बना ली, 4x4 की बनाएंगे। अब वाईएस की वैल्यू क्या चली, अब यहां समझिएगा। यहां लिखूंगा y1 1 y1 2 sorry इसको मैं y2 1 y2 1 y1 2 y2 2 y3 2 y4 2 y1 3 y2 3 y3 आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा y1 4, ये हो जाएगा y2 4, ये हो जाएगा y क्या हो जाएगा जैसे बताइए y3 4, और ये हो जाएगा y4 4। ठीक है जी, मेरे ख्याल से इस फिगर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसका काम खत्म करते हैं, इससे आसानी से हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, अब ना यहां से समझिएगा, y11 की वैल्यू क्या है। सबसे पहले जिसपे हम बात करेंगे ना, हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। समझिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं वाई वन वन की वैल्यू क्या है, तो आप चेक करिए, टू इट इज कमिंग आउट टू बी y10 + y12 + y14। ठीक है, एक काम और करता हूं मैं, इसमें छोटा सा ना y13 भी ऐड कर दे रहा हूं। चलिए मैं ही कर रहा हूं, चलिए छोड़िए। अच्छा, y22 की वैल्यू क्या है, y22 की वैल्यू जरा चेक करिए, y22 की वैल्यू जरा चेक करिए क्या आ रही है, y20, ये जनरलाइज सिचुएशन निकालेंगे, अच्छा सॉल्यूशन है, प्लस y21 + y23 + y24। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि अपने पास n बस का सिस्टम है, कितने वाले से n बस का सिस्टम है, तो अपने वाले सवाल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगर मैं बोलता हूं कि अपने पास एक n बस का सिस्टम है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ना, आया ना। तो मैं अब बात यहां पर कर रहा हूं yii, जहां पे आई क्या अपना, आई क्या अपना नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ बस। अगर मैं फर्स्ट बस की बात करता हूं, तो ये हो जाएगा y11 ii, नंबर ऑफ बस की बात कर रहा हूं। आई का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, आई का मतलब हो रहा है जो पर्टिकुलर बस की हम बात कर रहे हैं। yii की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करिएगा, yii की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताइए। इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू 0 to n yi k। चेक करिएगा दोस्तों, मैं उसके लिए आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, समझिएगा। मैं अगर y22 की बात करूं, तो i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो y की k की वैल्यू कहां से शुरू करनी है, 0 से, 2 0 2 1 2 3 2 4, ये तो हो गया। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट शुड चेक करिएगा, k इज नॉट इक्वल टू y, दैट k इज नॉट इक्वल टू y। तो अपने पास एक चीज तो अपने पास आ गई, क्या यह चीज जरा समझने वाली बात है, दैट yii की वैल्यू क्या हो जाएगी। फिर से चेक करिएगा, मैंने सिर्फ दो केसेस लेके चले, आप चारों केसेस पे आप ट्राई कर सकते हो, ये आंसर यही आने वाला है। y11 की वैल्यू y10 + y12 + y14 है, y22 की वैल्यू क्या है, y20 + y21 + y23 + y24 आ रहा है। मैंने कहा सिस्टम के अंदर चार बसेस है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। मैं कह रहा हूं डायगोनल वाले के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला मेरे को चाहिए, तो मैंने बना दिया। मैंने कहा लीजिए, ये लीजिए, इसको पकड़िए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला। तो ii की वैल्यू क्या हो गई, k इक्वल टू 0 to n लगाया, yi के k इज नॉट इक्वल टू y, सही है, गलत तो नहीं, मैंने वेरीफाई भी करके आपको दिखाया। मैंने कहा इस वाले में i की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 2 ही तो हो रही है, इसके लिए i की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी सीधी सीधी, सही है। तो अपने लिए डायगोनल की वैल्यू तो आ गई, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग यहां पर ना अब एक कंसोलिडेटेड चीजें लिखेंगे, तो मैं पहली चीज लिख रहा हूं वाई I की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज k इज इक्वल टू 0 to n yik, और लिमिट क्या लगी हुई है, k इज नॉट इक्वल टू i, अपना एक कंस्टेंट आ रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑफ डायगनल एलिमेंट्स की, ये कौन से एलिमेंट थे, ये थे अपने डायगनल एलिमेंट्स, ये क्या थे अपने डायगनल। अब ऑफ डायगनल एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो आ जाएगा वाई आई के इज इक्वल टू, चेक करिए ऐसी वैल्यू तो यही है ना, माइनस ऑफ वाई आई के,
माइनस ऑफ वाई ए के, बस और कुछ नहीं। ये बस एक लिमिटेशन और चल रही इसके अंदर भी, k इज नॉट इक्वल टू वाई, इधर चेक करिएगा वाई वन टू की वैल्यू क्या है, माइनस वाई वन टू भैया, और क्या आ रही है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं और बोल रहा हूं, दैट वाई आई के इज इक्वल टू वाई के आई, ये भी लेके चल रहा हूं। तो चाहे टू वन बोलिए चाहे वन टू बोलिए, बात तो एक ही है ना, चाहे टू वन बोलिए चाहे टू वन का, बात तो एक ही आ रही ना, के शुड नॉट बी इक्वल टू वाई, सॉरी के इज नॉट इक्वल टू, तो के इज नॉट इक्वल टू वाई दोनों जगह कंडीशन है, वाई आई के का वैल्यू वाई वन टू तो है। अब आप चेक करिए यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं, ये क्या हो गया अपना ऑफ डायगोनल लिमिट्स, ऑफ डायगोनल लिमिट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीजों पर बात समझ लीजिएगा, हमने डायगोनल एलिमेंट्स भी निकाल लिए और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी निकाल लिए। ठीक है, जब आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स भी आ गए, आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी आ गए, तो मैट्रिक्स तो बन गई ना। अच्छा अपना हम लोग यहां पर एक सिंपल सी बात करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा इसकी ना, अभी हम लोग को बात करनी है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, हमको इसके अंदर थोड़ा सा भी और कुछ जानना है, फिर हमको इसके सवाल करने हैं, बट वो आज ड्यू टाइम कंस्ट्रेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज हमने निकाली है बस वाई, बस अभी हमने उसको एनालाइज नहीं करा पूरी तरह से, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी जरूरी है, बट ये वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी एडमिटेंस बस मैट्रिक्स का, आज हम बात करेंगे तो वी हैव कंप्लीटेड लेक्चर वन ऑफ एडमिटेंस बस मैट्रिक्स, और बाकी के लिए वी मीटिंग अगले लेक्चर में, हम ना सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे बल्कि हम गेट में आए कुछ क्वेश्चंस, एकेडमी में आए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन सी यू, बाय।